बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सीजन्स फूड सीक्रेट यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। तो आज हम बनाएंगे क्रिस्पी क्रंची पकौड़ियाँ। तो वीडियो को मुकम्मल देखें, और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो आलू हमने लिए हैं 2 अदद, इनको हमने जो है वो कद्दूकश कर लिया है, और अब हम इनको जो है वो अच्छे से जो है वो धो लेंगे, और इसके बाद जो है इस तरह से इनका जो पानी है वो निचोड़ लेंगे इस तरह से, और एक अलग बर्तन में जो है वो हम डाल देंगे इसको। अलग बर्तन में डालने के बाद हम इनको ठंडे पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो देंगे, और तब तक हम जो है वो बारीक प्याज काट लेंगे। प्याज भी हमें जो है वो बारीक चाहिए बिल्कुल। प्याज़ों को बारीक काट के जिस बर्तन में हम मसाला बनाएंगे उसमें प्याज हम डाल देंगे, और उसके बाद आलू जो है वो हमने जो ठंडे पानी में भिगोए थे वो भी अच्छे से उनको पानी को निकाल के जो है वो हम इसमें डाल देंगे। तो आलू तकरीबन हमने बर्तन में निकाल लिए हैं, अब हम मसाला जात ऐड करेंगे इसमें। अब हम जो है वो सुर्ख मिर्च ऐड कर रहे हैं, इसके बाद जो मोटी सुर्ख मिर्च यानी जिसको हम दड़ा मिर्च बोलते हैं वो ऐड हो रही है, इसके बाद नमक, ये सब चीज़ें आपने इस पे ज़रूरत जो है वो ऐड कर लेनी है जितनी आप पसंद करते हैं। इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें चाइना साल्ट, जायके के लिए ये भी ऐड हो रहा है, और इसके बाद है जी काली मिर्च का पाउडर। सब चीज़ें हसब ज़रूरत हम ऐड कर रहे हैं। इसके बाद हम कोई भी मसाला जो है वो जायके के लिए, जो चिकन मसाला कोई भी ऐड कर लेंगे इसमें। थोड़ी सी अजवाइन ऐड की है इसमें हमने, और साथ में ये हल्दी भी थोड़ी सी ऐड की है। तो अब हम इसको जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला जात जो है ये बिल्कुल इसमें जो है वो अच्छे से जज़ब हो जाए। थोड़ी सी पालक भी हमने इसमें ऐड कर दी है बारीक काट के, और इन सब चीज़ों को अच्छे से जो है वो मिक्स कर दिया है। तो अब हम इसमें जो है वो मैदा ऐड करेंगे। तो अब हम मैदा ऐड इसमें कर रहे हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैदे की मकदार थोड़ी सी कम है, अभी थोड़ा सा मैदा हम और ऐड करेंगे इसमें। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें सब्ज़ मिर्च और अदरक का पेस्ट जो है वह हमने तैयार किया हुआ वो ऐड कर लेंगे। ये भी टेस्ट को बढ़ाने में जो है वो मददगार होगा। तो अब जो है मसाले को हम जो है वो कुछ देर के लिए जो है वो रख देंगे अच्छे से इसको मिक्स करके। कुछ देर के लिए हम इसको रख देंगे, और फिर उसके बाद जो है वो हम पकौड़ियाँ जो है वो बना लेंगे, क्रिस्पी क्रंची पकौड़ियाँ जो है फिर हम बनाएंगे।
तो मसाले को बनाए हुए 1 घंटा तकरीबन हो गया है। अब हम जो है वो इसको बनाएंगे। तेल हमारा जो है वो गर्म हो चुका है, अब इनको हम जो है वो तल लेंगे। तो इस तरह से जो है वो छोटे छोटे साइज में हम इनको जो है वो ऑयल में डाल देंगे और अच्छे से जो है वो इनको तल लेंगे। जब एक साइड जो है वो इनकी पक जाएगी तो हम चमचे की मदद से इनकी साइड जो है वो इस तरह तब्दील कर देंगे और अच्छे से इनकी दोनों साइडें जो है वो सुर्ख कर लेंगे। माशाल्लाह जो है वो हमारी ये क्रिस्पी क्रंची पकौड़ियाँ जो हैं ये रेडी तकरीबन हो चुकी हैं। अब हम इनको जो है वो निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की पकौड़ियाँ जो है वो हमारी तैयार हुई हैं। तो आप भी इस तरह से घर पे बना सकते हैं, बहुत ही आसान रेसिपी है ये। तो उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको हमारी ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और नए आने वाले दोस्त काइंडली हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही ज़्यादा चाहता हूँ जल्द हाज़र होंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।